फिल्मों से हीरो के साथ साथ विलेन भी काफी फेमस हो जाते हैं, लेकिन लोग हीरो की जिंदगी के बारे में जानने के लिए ज्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि विलेन नेगेटिव रोल में दिखते हैं तो लोग उनके निजी जिंदगी के बारे में दिलचस्पी नहीं लेते। चलिए हम आपको बॉलीवुड के फेमस खलनायकों के बच्चों के बारे में बताते हैं। गुलशन ग्रोवर। विलेन की लिस्ट में सबसे टॉप पर नाम है गुलशन ग्रोवर का। गुलशन ने ज्यादातर फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाए। गुलशन के बैडमैन रोल को काफी याद किया जाता है। गुलशन के बेटे का नाम संजय है, जो कि फेमस बिजनेसमैन है। डैनी डेंजोंगपा। फेमस एक्टर डैनी डेंजोंगपा लगभग 190 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने हर किरदार को बखूबी निभाया। डैनी के बेटे का नाम रेंजिंग डेंजोंगपा है और बेटे का नाम पेमा डेंजोंगपा है। डैनी के बेटे जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं। अमरीश पुरी। अमरीश पुरी भी बॉलीवुड के फेमस विलेन थे। उन्होंने मिस्टर इंडिया और नगीना जैसी कई फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस किया। अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी मायानगरी से दूर ही रहना पसंद करते हैं। राजीव पुरी एक्टर नहीं बल्कि मरीन नेविगेटर है। शक्ति कपूर। एक्टर शक्ति कपूर को भला कौन नहीं जानता, और उनके बच्चे भी काफी फेमस हैं। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर फिल्मों में काफी नाम कमा रही हैं। शक्ति कपूर के बेटे सिद्धार्थ कपूर को फिल्मों में सफलता नहीं मिली। वो पलटन, भूत, यारन जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं। अमजद खान। फिल्म शोले का गब्बर तो आपको याद ही होगी। अमजद खान के तीन बच्चे हैं। उनके बेटे शादाब खान ने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की सोची, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने फिल्म राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में एंट्री की। साल 2020 में वो वेब सीरीज स्कैम 1992 में दिखे। तो ये है बॉलीवुड के फेमस विलेन के बच्चे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।